गया कॉलेज गया में शिक्षा शास्त्र विभाग एवं इंटेलिजेंस फ्रेंड एसोसिएशन बोध गया के संयुक्त तत्वावधान में वैश्विक शांति मुद्दे पर चुनौतियां विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा, इंटरलिजियस फ्रेंड्स बोध गया के फादर लॉरेंस एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय धीरज व सभी शिक्षकों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा ने कहा कि शांति शिक्षा पर आयोजित यह कार्यशाला आज के समय की मांग है। ऐसे नितांत वैश्विक महत्व वाले विषय पर कार्यशाला का आयोजन के लिए विभाग अध्यक्ष डॉक्टर धीरज एवं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आज संपूर्ण विश्व में क्रांति एवं अशांति का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शिक्षा के माध्यम से ही समस्त विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। विश्व जटिल से जटिलतम समस्याओं को शैक्षिक विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। प्रिंसिपल ने कहा कि महात्मा गांधी ने भी सत्य, शांति और अहिंसा की वकालत की थी। शांति और अहिंसा के अद्भुत महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति इसी धरती पर हुई थी। भविष्य में आप तमाम शिक्षकों से उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि शिक्षा के मूल मंत्र से समाज, राष्ट्र एवं विश्व में व्यापक भ्रष्टाचार, अशांति, तनाव एवं युद्ध जैसी स्थितियों को समाप्त किया जा सकता है। वही विभाग अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय धीरज ने कहा कि विश्व शांति एक वैश्विक विषय है। संपूर्ण विश्वास तनाव एवं युद्ध जैसे माहौल से गुजर रहा है। यूक्रेन एवं रशिया के मध्य में चल रहे युद्ध की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगठनों के प्रयास से तत्काल युद्ध विराम कर शांति स्थापित करने की पहल होनी चाहिए, क्योंकि आज हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं ऐसे में हमें विश्व युद्ध नहीं बल्कि एक बुद्ध की आवश्यकता है। कार्यशाला की तकनीकी सत्रों का संचालन करते हुए फादर लॉरेंस ने कहा कि समाज में शांति स्थापित करने के लिए शिक्षकों की भूमिका अहम है, क्योंकि विद्यार्थी कक्षाओं में जिन बातों को सीखते हैं वो घर और समाज में उन्हीं बातों का अनुसरण करते हैं। शांति शिक्षा का महत्व आज इस कदर बढ़ चुका है कि विश्व के कई राष्ट्रों में इसे विद्यालय स्तर पर पत्राचार का हिस्सा बनाया गया है। प्रारंभिक स्तर पर ही यदि हम विद्यार्थियों के मन में शांति की बीज बोते हैं तो जीवन में आगे चलकर शिक्षा के माध्यम से समाज में शांति की प्रतिस्थापित करते हुए राष्ट्र एवं विश्व में एक नई परिभाषा गढ़ने में हम सफल होंगे। उन्होंने विभिन्न प्रसंगों की चर्चा की। विद्यार्थियों के बीच की प्रार्थना के अभ्यास के साथ साथ फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम को लेकर बीएड प्रशिक्षक में काफी उत्साह देखा गया।